तो ये जीवन बड़ा अनमोल है। 12 यम भगवान कृष्ण ने बताए हैं और 12 नियम बताए हैं। यम और नियम इस विद्यार्थी काल में सबके लिए, मेरे लिए, मैं भी विद्यार्थी हूं ना, बापूजी के आश्रम में हूं, तो गुरुजी की जो विद्या है अध्यात्म विद्या, उसके तो हम भी विद्यार्थी हैं। भले स्कूल कॉलेज नहीं जाते हैं, पर गुरुदेव जो विद्या दे रहे हैं वो तो हमको चाहिए, तो हम भी विद्यार्थी हुए। तो उसके लिए यम और नियम जरूरी है। यम मतलब, यम में 12 बातें आती हैं, 12 प्रकार यम के। पहला यम अहिंसा, मन से, वचन से, कर्म से, कभी भी हिंसा ना हो। मन से भी ना हो कि इसको मैं सबक सिखा दूं, इसको थप्पड़ मार दूं, इसको ये कर दूं, इसके लिए संकल्प करूं, इसका सत्यानाश हो जाए। मन से भी हिंसा ना हो, वचन से भी ना हो, किसी को ऐसे शब्द ना बोले जाएं जो उसको तीर की तरह चुभे। और फिर कर्म, किसी पर हाथ ना उठाया जाए। स्कूल में पढ़ते हो, कॉलेज में पढ़ते हो, विद्यार्थी भाई बच्चियां बच्चे, ध्यान रखना, मारपीट करना, किसी पर हाथ उठाना, किसी का अपमान करना, वो ठीक नहीं। झूठा मुंह रखना ठीक नहीं है। नोटबुक के पन्ने जीभ से थूक लेकर उससे पलटना, का किताब के पन्ने जीभ से थूक लेकर उससे पलटना, ये ठीक नहीं है मेरी समझ में। हमको विद्या पानी है और हम उधर थूक से पन्ना पलटे, विद्या कैसे आएगी? जरूरत क्या है? पर मैंने कईयों को देखा है ऐसा करके पन्ने पलटते। अहिंसा, यम का दूसरा प्रकार है सत्य। तीसरा है अस्तेय, माने चोरी न करना। किसी ने अपने भरोसे पैसे रखे हैं बैग में और अपन ने उठा लिए बिना उसको बताए, ये चोरी है। ये यम के 12 प्रकारों में ये सब बातें आती हैं। चौथा अहिंसा, सत्यम, अस्तेयम, असंगो, किसी में आसक्त मत हो जाना। ग्यारहवीं के 12वीं क्लास की एक लड़की, उसकी उम्र कितनी आप देखो, वो अपने माता पिता को कहती है कि अमुक लड़के से मुझे शादी करनी है। अब 11वीं के 12वीं की विद्यार्थिनी मुंबई में, कैसी बुद्धि है। तो भगवान कृष्ण ये बातें बता रहे हैं जो मैं आपके आगे रख रहा हूं, यम के 12 प्रकार भागवत में भगवान कृष्ण ने बताए। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी न करना, और असंगो, किसी में आसक्त नहीं। इसलिए मैंने पहले कहा कोई तेरा नहीं, सब है धोखा यहां।
अपना समय, अपना बचपन, अपनी जवानी गंवाना नहीं, बस खेल में बिताया। बचपन वो प्यारा प्यारा खेल कूद में ना बीत जाए। बस खेल में बिताया बचपन वो प्यारा प्यारा, यौवन के मद में खोकर सारा समय गंवाया। जिस तन को तू सजाता वो धूल में मिलेगा, सब देखते रहेंगे अग्नि में वो जलेगा। न रूप साथ देगा ना रंग साथ देगा, सदगुरु बिन जहां में कोई ना साथ देगा। तो असंग हो, किसी में भी आसक्त मत हो। अपनी पढ़ाई में ध्यान देना, पढ़ते हैं तो सारस्वती मंत्र की दीक्षा लेना, न ली है तो, और ली है तो उसका जप कर। बच्चों ने सावता माली का नाम सुना है? सुना? महाराष्ट्र में हो गए संत? नहीं सुना। सावता जी एक संत हो गए पंडरपुर के पास, अरण है अरण, वहां पर हो गए। 25 किलोमीटर दूर है अरण पंडरपुर से, परंतु सावता जी कभी भी पंडरपुर नहीं गए। 25 किलोमीटर पर भक्ति खूब थी, ऐसा नहीं कि भक्ति नहीं थी, भक्ति खूब थी। सावता जी पंडरपुर नहीं जाते थे तो भगवान पंडरपुर से सावता जी के पास आते थे मिलने के लिए, और उनके खेत में उनको मदद करते थे खेती काम में। ऐसी सावता जी की भक्ति थी। देवी भागवत ग्रंथ में एक कथा आती है, वेदवती नाम की एक कन्या थी, बड़ी हुई तो माँ बाप ने उसकी शादी करने के लिए कोई लड़का खोजना शुरू कर दिया। वेदवती ने कहा कि मैं शादी तो करूंगी पर ईश्वर से करूंगी, कोई लड़के से नहीं करूंगी। माँ का नाम था मालावती। माँ ने कहा कि बेटी भगवान तेरे से शादी कैसे करेंगे? तो वेदवती कहती है मैं तपस्या करके ईश्वर को राजी कर लूंगी, पर शादी तो मैं भगवान से ही करूंगी। माँ बाप का आशीर्वाद लेकर वेदवती जंगल में तपस्या करने को गई। कौन तपस्या करने गई बच्चियां बोलो तो? हाँ हाँ, देखो बच्चे तेज आवाज में बोलते हैं, बच्चियां नाम सुनकर शायद भूल गई। कौन तपस्या करने गई? शाबाश, ध्यान से सुनना चाहिए, सुनते समय इधर उधर नहीं देखना चाहिए ना। वेदवती जंगल में आसन बिछाकर भगवान का ध्यान करने लगी और भगवान का नाम जपने लगी। सोने की लंका का राजा रावण एक दिन उधर से निकला तो वेदवती की सुंदरता देखकर मोहित हो गया और सोचने लगा कि इसके साथ मेरी शादी हो जाए तो अच्छा है। किसी का भी रूप देखकर अगर उसके प्रति आकर्षण होता है तो समझो बुद्धि में रावण बैठा है, अभी गया नहीं है। मोहरूपी रावण अभी मरा नहीं है, इसलिए किसी को भी देखकर उसके प्रति फिजिकली अट्रैक्शन हो जाए तो समझो रावण अभी जिंदा है खोपड़ी में।
रावण का पुतला बनाकर जलाने की जरूरत नहीं है, मोहरूपी रावण को मिटाने की जरूरत है। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, लोग रावण के पुतले जलाते हैं, होली के दिन लकड़ियों का ढेर करके होलिका दहन का पर्व मना लेते हैं, पर अंदर आसुरी वृत्ति रूपी होलिका तो सिर ऊंचा उठाए घूमती है। बाहर लकड़ियों का ढेर जला दिया तो क्या बहादुरी कर ली, रावण का पुतला दशहरे के दिन जला दिया तो क्या बड़ी बात कर ली। अगर मोहरूपी रावण भीतर नहीं मरा तो फिर क्या किया, फिर पुतला बनाकर जलाया तो कोई बड़ी बात नहीं है। रावण ने वेदवती को देखा तो उससे शादी करने की इच्छा हुई, वेदवती को शादी के लिए बात की, वेदवती ने मना कर दिया कि मैं शादी करूंगी तो ईश्वर से करूंगी। रावण ने प्रलोभन दिए पहले तो कि सोने की लंका की रानी मैं तेरे को बना दूंगा, चल। वेदवती ने साफ इनकार कर दिया कि संभव ही नहीं है। रावण ने कहा मैं तुझे जबरन पकड़ के ले जाऊंगा। वेदवती ने एक झटका दिया, बाल कट गए, बाल पकड़े थे रावण ने वेदवती के, ऐसे झटका मारा कि बाल कट गए, कैंची का काम हाथ ने ही कर दिया। फिर क्या हुआ, वेदवती ने कहा कि पापी तूने मुझे पाप के भाव से हाथ लगाया है, मेरा शरीर अपवित्र कर दिया तूने, पर याद रखना तेरे जैसे पापी मेरे जैसी और कन्याओं का शील भंग न करे उसके लिए मैं दोबारा जन्म लेकर आऊंगी और तेरा सर्वनाश करूंगी और भगवान को पति के रूप में पाऊंगी। शरीर से योग अग्नि प्रकट करके वेदवती ने अपना शरीर जला दिया, राख हो गई। रावण ने सोचा कि ये तो राख हो गई, मर गई, मेरा क्या बिगाड़ लेगी। पर राजा जनक को वही वेदवती जमीन में से ही मिली है, जमीन में ही मिल गई थी वेदवती, राख हो गई थी, और जमीन में से ही राजा जनक को सीता जी के रूप में मिली। भगवान राम से उनकी शादी हुई, पिछले जन्म का संकल्प कि मुझे ईश्वर को पाना है तो ईश्वर को पति के रूप में पाया, और सीता जी के निमित्त रावण मारा गया कि वही भक्ति काम आई ना। तो इस उम्र से विद्यार्थी भाई बहने सद्गुणों के पक्षपाती बनना तो भविष्य बढ़िया होगा। देखो एक बात बताऊं आपको, पढ़ाई करते हैं तो पैसा तो खर्च होता है ना विद्यार्थी, बोलो पैसा तो खर्च होता ही है ना, बच्चियां मुफ्त में थोड़ी पढ़ाई होती है, पैसा लगता है ना। हाँ, तो पैसा खर्च होता है, दूसरी बात टाइम खर्च होता है ना, टाइम भी तो देना पड़ता है ना, ऐसे कैसे पढ़ाई होगी, स्कूल में 5 घंटे 6 घंटे बैठना पड़ता है तब पढ़ाई होती है। तो अपन टाइम भी देते हैं अपना और पैसा भी देते हैं, अब खाली थोड़ा ध्यान देना तो रिजल्ट बहुत बढ़िया आ सकता है। एक विद्यार्थी फर्स्ट आता है और एक बेचारा फेल हो जाता है, क्यों? तो जो फर्स्ट आया जरूर उसने मेहनत की, पढ़ाई में ध्यान दिया, मन लगाकर पढ़ा, तो उसका समय और पैसा सार्थक हो गया। बाकी समय भी दिया पैसे भी दिए पर ध्यान लगाकर नहीं पढ़ा तो समय भी गया पैसे भी चले गए और भविष्य खराब हो गया, ये घाटा हो जाता। इसलिए सावधान, पैसा और समय देते हैं तो थोड़ा ध्यान भी दें, पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, रिजल्ट अच्छा आएगा। तो यम के 12 प्रकार में पांचवा है कि बुरे संग से अपने को बचाना। गलत लोगों की दोस्ती से अपने को बचाना, क्योंकि उनकी दोस्ती से फिर अपना जीवन भी गलत हो जाएगा। अहिंसा सत्यम अस्तेयम असंगो ह्रीर असंचय। छठा यम का प्रकार असंचय, ज्यादा संग्रही मत बनना, पैसा 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 पैसा।
फिर कोई कोई लोग उसके लिए चोरी भी कर लेते हैं। असंचय भगवान कहते हैं छठा यम संग्रह नहीं, जो है सो वाह वाह, जितना है वाह वाह, अपना व्यक्तिगत खर्च हम कम करेंगे, माँ बाप के ऊपर बोझा नहीं बनेंगे। फिजूल खर्ची की आदत आदमी के लिए बहुत नुकसानकारक सिद्ध हो सकती है, उससे अपने को बचाएंगे। भगवान ने हमको मनुष्य शरीर तो दिया, देखने के लिए आंखें भी दी है, परंतु कैसे देखना ये तो सत्संग से सीख मिलती है। आंख तो है, देखने की शक्ति भी है, पर कैसे देखना, किस भाव से देखना। नजर तेरी अच्छी है तो किस्मत तेरी दासी है, दृष्टि ईश्वर की करुणा कृपा हम पर है, पर ईश्वर चाहते हैं कि और अधिक कृपा पाएं, गुरु चाहते हैं कि शिष्य और अधिक गुरु का आशीर्वाद पाएं। सातवां यम का प्रकार भगवान बताते हैं आस्तिक्यम, आस्तिक बनना, नास्तिक मत बनना। भगवान और गुरु के अस्तित्व में भरोसा। एक सिपाही था, राजा की बेटी दिखने में बड़ी सुंदर थी। सिपाही राजा की बेटी को देखकर मोहित हो गया और सोचने लगा कि काश इससे मेरी शादी हो पाती। तो उसने अपनी माँ को कहा, माँ भी राजा के महल में रानी जहाँ रहती थी वहाँ साफ सफाई का काम करती थी, माँ को कहा कि मैं राजा की बेटी से शादी करना चाहता हूँ। माँ ने उसको डांटा कि हम तो साधारण आदमी हैं, मैं तो दासी हूँ महल की और तू सिपाही, राजा की बेटी से शादी कैसे होगी, पागल तो नहीं हो गया। उसने कहा, माँ तू जो भी समझ, पर मेरी शादी तू उससे करा, पक्की करा, नहीं तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। अब बेटा बेचारा खाए नहीं तो माँ को भी दुख होता था कि मेरा बेटा खाता नहीं है, तो वो भी नहीं खाती थी माँ, तो माँ बेचारी थोड़ी कमजोर हो गई। तो रानी ने पूछा कि आप कमजोर होती जा रही हो, क्या बात है? तो वो कहती है कि क्या बताऊं, आपको पता चलेगा तो आप मुझको और मेरे बेटे को फांसी पे चढ़वा दोगी। नहीं नहीं, ऐसी क्या बात है, तुमको फांसी पे चढ़ा दूं? बताओ बात क्या है, तुम क्यों उदास रहती हो? तब दासी बोली कि मेरा जवान बेटा है ना, वो आपकी बेटी से शादी करने की जिद लेकर बैठा है। रानी ने कहा, ठीक है मैं करा दूंगी शादी मेरी बेटी से। दासी तो सोच में पड़ गई कि रानी माँ क्या बोल रही है। बोले, हाँ मैं ठीक कह रही हूँ, मैं अपनी बेटी से तेरे बेटे की शादी करा दूँ, पर तेरा बेटा मेरी एक शर्त माने तो। उसको बुलाया, बेटे ने कहा, एक नहीं दो शर्त मानूंगा, आप अपनी बेटी से मेरी शादी कराने के लिए हाँ बोल दो बस। बोले, हाँ तो मैं कह रही हूँ ना, एक शर्त मान खाली, एक मेरी बात। क्या? रानी ने कहा कि 6 महीने तक जंगल में पेड़ के नीचे अमुक नदी के किनारे बैठकर तू भगवान के नाम का जप कर, 6 महीने का अनुष्ठान, राम 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 राम, बस ये जप चालू रख, और खाना मैं भिजवाऊंगी वही खाना, दूसरी कोई चीज मत खाना। 6 महीने तू ये कर ले, 6 महीने पूरे होते ही मैं खुद आऊंगी तेरे पास, तुझे ले चलूंगी और शादी करा दूंगी। वो तो खुश हो गया कि 6 महीने तो क्या बड़ी बात है, मैं तैयार हूं। जगह निश्चित की गई, वो सिपाही वहीं पर जाकर राम 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 जप और भगवान का नाम कीर्तन करने लग गया।
भज मन राम 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 मेरे राम 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 मन राम 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 मेरे राम 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 भज मन सारी माया कोई काम न तेरे आया झूठी जग की सारी माया कोई काम न तेरे आया झूठी जग की सारी माया कोई काम न तेरे आया जिसने नाम राम का गाया वो भव सिंधु से तर पाया जिसने नाम राम का गाया वो भव सिंधु से तर पाया भज मन राम 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 मेरे राम राम न माया मोह में फंसना यहाँ कोई नहीं अपना माया मोह में फंसना यहाँ कोई नहीं अपना न माया मोह में फंसना यहाँ कोई नहीं अपना मौन रखना। यम के 12 प्रकार में भगवान कृष्ण एक मौन भी बताते हैं, स्थैर्य, स्थिरता, शांति से बैठना। ऐसा नहीं कि
थोड़ी देर इधर खड़े हो गए कि मेरे को जरा जाना है, मेरे को जरा इधर जाना है, इधर जाना है। चंचलता नहीं, स्थिरता, स्थैर्य। यम के 12 प्रकारों में 10वां स्थिरता है, 11वां क्षमा है। किसी से कोई गलती हो गई तो माफ करना भी सीखे, क्षमा, और फिर अभयम। 12 नियम हैं, नियम के 12 प्रकार। शौच, शुद्धि रखना, बाथरूम गए तो हाथ पैर धो लिए, 3 बार कुल्ला कर लिया, आंख और कान को ऐसा पानी गीला हाथ लगा दिया, शौच शुद्धि। फिर दूसरा जप रोज करना, सारस्वती मंत्र की दीक्षा नहीं ली है तो कल जरूर ले लेना, टाइम बताओ, कल गुरुदेव दीक्षा देंगे तो सारस्वती मंत्र लेना चूकना नहीं। विद्यार्थियों, बड़े लोग जिन्होंने दीक्षा नहीं ली वो गुरु मंत्र जरूर लेना। करनाल है हरियाणा में, दिल्ली से करीब 140 किलोमीटर, 130-140 जो भी। वहां सत्संग था गुरुदेव का, तो एक भाई आए थे सहारनपुर से, सहारनपुर पड़ता है हरिद्वार के पास यूपी में, माधव सिंह उसका नाम। उसने मुझे पूछा सत्संग के बाद कि मैं बापूजी से दीक्षा ले सकता हूं, कल गुरुदेव देने वाले, मेरी इच्छा है लेने की। मैंने कहा इच्छा है तो इसमें पूछते क्यों, जरूर लो। वो बोला कि मैं 15 साल से एक तांत्रिक गुरु के पास जाता हूं, तो फिर वो नाराज तो नहीं हो जाएगा? मैंने कहा नाराज होगा तो क्या बिगाड़ लेगा, हा? बापू जी का शिष्य बन रहा है, दीक्षा ले रहा है प्यारे तू, और एक तांत्रिक से डरता है, वो तेरा क्या बिगाड़ लेगा? जिसके सिर पे सदगुरु का हाथ वो कैसा दुख पाए। आजकल तो कई जो होते हैं ना तंत्र मंत्र करने वाले, बकवास ज्यादा करते हैं, डराते धमकाते ज्यादा हैं, दम कुछ होता नहीं है, थोथा चना बाजे गना, डरा देते हैं लोगों को, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ नहीं होता, बकवास है सब। इसलिए वीर बनना, किसी ने कुछ कर दिया है कोई कुछ कर देगा क्या बिगाड़ लेगा। हरि ओम ओम ओम। लहरों ने देखो कभी सागर को ललकारा है, मिट जाती एक पल में है टूटे गर्व सारा है। लहरें कभी सागर को ललकार नहीं सकती, सागर के कारण लहरें हैं, लहरों के कारण सागर नहीं है। धोखे में मत रहना, अपनी वीरता को भूल मत जाना, अपने शौर्य को भूल मत जाना, अपने ईश्वरीय बल को जागृत रखना। रावण की लंका में सीता जी ने एक घास का तिनका आगे रखकर रावण को पीछे हटा दिया था। रावण तलवार लेकर आया था कि मेरा कहना नहीं मानेगी तो इस तलवार से तेरी गर्दन काट दूंगा, सीता जी ने एक तिनका आगे रख दिया। तृण धरी ओट कहती वही देही, सुमिरी अवध पति परम स्नेही। सुमिरन से ईश्वरीय बल जागृत होता है, रावण जैसा भी लौट जाता है। हनुमान जी जब लंका में युद्ध करने गए ना राम जी के साथ, तो हनुमान जी के पास गदा नहीं थी, ये तो चित्रों में गदा दिखा देते हैं हनुमान जी के पास गदा है। हनुमान जी ऐसे ही खाली हाथ गए थे तो राक्षसों को मारते कैसे थे? कई बार तो युद्ध में राम जी भी लक्ष्मण जी को रोकते थे, बोले रुक जा लक्ष्मण, अब देख हनुमान जी मैदान में आए, देख कैसे लड़ते हैं ये। तो हनुमान जी क्या करते, कोई योद्धा रावण का आदमी हाथी पर बैठकर आया हनुमान जी पर वार करने के लिए, तो हनुमान जी क्या करते, उसको हाथी समेत उठा लेते जय श्री राम करके, और उसको फिर दूसरे हाथियों पर डाल देते थे। कोई घोड़े पर बैठकर आया हनुमान जी को मारने के लिए, तो हनुमान जी उसको घोड़े समेत उठा लेते और उठा के देह मारते शत्रुओं पर, ऐसे हनुमान जी लड़ते थे। फिर कभी कोई ऐसे ही भाले और तलवार लेकर मारने के लिए आ रहा है तो हनुमान जी आसपास से कोई बड़ा पत्थर उठा लेते, और हनुमान जी उठाते तो 2 किलो का तो नहीं उठाया होगा उन्होंने, हमारी तरह थोड़ी थे वो, कैसा उठाया होगा वो आप कल्पना करो,
अरे बड़ा उठाकर दे मारते तो कई राक्षस एक साथ दब के मर जाते थे। राम जी भी उस समय देखते रहते कि हनुमान जी आए मैदान में। सीता माँ के पास जब हनुमान जी गए थे ना, तो कहा कि माँ मुझे भूख बहुत लगी, सुना हूं माँ तुम्हें अतिशय भूखा, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से खाया ही नहीं, तुम्हारी खोज में भूखे भूखे घूम रहे थे, अब आप आज मिल गई, दर्शन हो गए, तो अब मैं कुछ खाऊं। माँ ने कहा वाटिका में फल तो है पेड़ों पर राक्षस लोग बड़े दुष्ट हैं हनुमान, तुम अकेले हो, वो इतने सारे, इसलिए पेड़ पर से फल तोड़ना नहीं, जो नीचे गिरे हुए हो ना वो ही खा लेना। तब हनुमान जी ने कहा तिन कर भय माता मोहि नाही, मां मुझे उनका कोई डर नहीं है, हम भी उन हनुमान जी की संतान हैं, उनके भक्त हैं, तो हमें भी ऐसी आसुरी वृत्ति वालों से डरना नहीं चाहिए। तिन कर भय माता मोहि नाही, हरि ओम ओम ओम, अपनी महिमा में जागना जरूरी है। नाक रगड़ना, दया की भीख मांगना, कब्रों के आगे, मजारों के आगे सड़ी गली राख उठाकर अपने मुंह में डालना, तिलक लगाना उस सड़ी गली राख का, थूक दे ऐसी राख पर और भगवान के नाम का जप कर, तो सकल अमंगल मूल नसाही, जिनकर नाम लेत मन माही, जिनके नाम का जप करने से सारे अमंगलों का मूल खत्म हो जाए। राख उठा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, तिलक लगाने का शौक ही है तो सदगुरु के चरण की रज का तिलक कर ले तो भाग्य संवर जाएगा, भाग्य की लकीरें बढ़िया होने लगेगी, हाथ की रेखाओं में परिवर्तन आने लगेगा। मेरे हाथ की रेखाओं में परिवर्तन इसी से आया, गुरुदेव के चरण रज का तिलक करने से, गुरुदेव के चरणों पर हाथ रखने से मेरे हाथ की रेखाएं बढ़िया हो गई। चूर संसार में भटक रहा था तो बढ़िया नहीं थी, गुरु के चरणों पे हाथ रखा तो। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, गुरु की चरण रज क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं शिव जी के शरीर पर लगी हुई भस्म जैसे पवित्र है, उसी प्रकार गुरु के चरण की रज भी ऐसी पवित्र है जैसे शिव जी के शरीर की भस्म पवित्र है। उठा रहे हैं जहां तहां कब्रों और मजारों से राख और उसको जीभ पर रख रहे हैं, तिलक लगा रहे, हट, जागना होगा अपनी महिमा में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। तो हनुमान जी ने कहा तिन कर भय माता मोहि नाही, मां मुझे उनका कोई डर नहीं है। हनुमान जी गए वाटिका में, देखा कि फल जो नीचे गिरे हुए हैं वो तो सड़े हुए हैं और सूखे हुए हैं, ये तो खाएंगे भी नहीं, तबीयत खराब हो जाएगी, और मां ने पेड़ पर से तोड़ने को मना किया है, अब करें क्या, मां की आज्ञा भी नहीं काट सकते। तब हनुमान जी को उपाय सूझा कि मां ने पेड़ पर से फल तोड़ने को मना किया है, पूरा पेड़ उखाड़ने को मना नहीं किया है। बस ये बात, हनुमान जी पूरा पेड़ उखाड़ते जय श्री राम करके। पेड़ भी आजकल के जैसे थोड़ी होंगे, उस जमाने के पेड़ भी, ए राम सेतु जो है ना पानी में अंदर, तो जांच करने वालों ने बताया कि जैसा अपना कमरा हो ना, एक 10x10 का, 10x12 का एक कमरा, ऐसे बड़े बड़े पत्थर है राम सेतु में, एक इतना बड़ा बड़ा, एक कमरे जैसा पत्थर, इतना बड़ा, तो सोचो उठाने वाले कैसे रहे होंगे, तो उस जमाने में पेड़ भी कैसे रहे होंगे। एक आदमी ने किसी संत को पूछा कि हनुमान जी ने जब लंका में प्रवेश किया तो मच्छर जितना रूप बनाया, ऐसा सुंदरकांड में लिखा है, मशक समान रूप कपि धरी, तो जब मच्छर जितना रूप हनुमान जी ने बनाया तो अंगूठी जो राम जी ने दी थी वो कहां रख दी थी, कहां लोगों का दिमाग जाता है आप देखो। संत ने भी बड़ा प्यारा उत्तर दिया, बोले हनुमान जी ने अंगूठी कहां रख दी ये तू सोच रहा है, हनुमान जी तब थे ना तो अपने जैसा शरीर नहीं था हनुमान जी का, जब राम सेतु के पत्थर इतने बड़े बड़े, एक कमरे जितने बड़े बड़े, तो उठाने वाले हनुमान जी कितने बड़े होंगे, तो उस जमाने के मच्छर भी जरा जरा से नहीं होंगे, आधे इंच के मच्छर भी एक 1.5 फुट के रहे होंगे शायद, तो अंगूठी रख दी थी वहां। इधर दिमाग जाता, एक आदमी ने तो मेरे से पूछा कि अंगद ने रावण की लंका में अपना
पैर जमा दिया और कहा कि इसको कोई हटा कर दिखाए तो हम सीता जी को हार चुके लौट जाएंगे यहीं से। फिर ही राम सीता मैं हारी, अगर कोई मेरा पैर हटा के दिखा दे। तो ये आदमी पूछने वाले ने मुझे कहा कि अगर किसी ने अंगद का पैर हटा दिया होता तो क्या होता। मैंने कहा तब तू था नहीं, नहीं तो अंगद तेरे से पहले पूछता कि मैं पैर जमाऊं कि नहीं जमाऊं। अरे अंगद को विश्वास था अपने राम जी के चरणों की भक्ति पर। आजकल के थोड़ी है कि संकल्प करे फिर विकल्प करे, अंगद ने विकल्प नहीं किया। अंगद से फिर बाद में साथियों ने पूछा जरूर कि तुमने ऐसा संकल्प कर दिया कैसे। अंगद ने कहा कि मुझे हनुमान जी के मंत्र पे भरोसा था इसलिए मैंने कर लिया। तो बोले हनुमान जी ने कौन सा मंत्र दिया तुमको। बोले हनुमान जी ने मेरे को नहीं दिया, हनुमान जी ने मंत्र तो रावण को दिया था पर रावण ने लिया नहीं, मैंने झेल लिया, मैंने थाम लिया, उससे मेरा काम बन गया। बोले कौन सा मंत्र। बोले हनुमान जी ने रावण को कहा था राम चरण पंकज उर धरहु। उर माने हृदय, दिल। राम जी के चरणों को अपने दिल में धारण कर तो लंका अचल राज तुम करहू। राम जी के चरणों को दिल में ध्यान करके लंका का अचल सुख तू भोग सकता है। रावण ने यह मंत्र लिया नहीं। भाई मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, गुरु जो बोलते हो मंत्र। रावण ने मंत्र लिया नहीं, मैंने ले लिया। मैंने सोचा कि हनुमान जी कहते हैं राम जी के पद का ध्यान करने से लंका का पद अचल हो जाएगा, तो मैं राम जी के पद का ध्यान करूं चरण का। तो पैर को पद भी बोलते हैं, अगर मैं राम जी के चरणों का ध्यान करूं तो मेरा पद भी तो अचल हो सकता है। जब लंका का पद अचल होगा तो मेरा क्यों नहीं होगा। बस मैंने राम जी के चरणों का ध्यान किया और रख दिया, मेरा पद अचल हो गया। रावण भी हार गया, मेघनाथ हार गया, सब हार गए। विकल्प नहीं, वीर हो गया वसुंधरा। वीरों की जीत होती है धरती पर, कायरों और बुजदिलों की नहीं। कई लोग ऐसे बेवकूफ होते हैं कि बोलते हैं अरे फलाने नेता से तो अपना घर का रिश्ता है, रख रख तेरा रिश्ता तेरे को मुबारक। फलाने साहब से तो अपना घर का रिश्ता है, राजी होते हैं। हालांकि पता भी है कि वो साहब और नेता सब मरने वाले हैं, बचने वाला कोई भी नहीं दुनिया में। फलाने से अपना घर का रिश्ता है, ये नहीं बोलते कि भगवान से मेरा घर का रिश्ता सदा का है। ये क्यों नहीं बोलते हो। जुड़ा हुआ संबंध ईश्वर से है उसकी तो याद आती नहीं, जोड़ा है किसी से उसकी याद आती है। कितने दुख की बात है, जुड़े हुए की याद रहनी चाहिए हुजूर, जोड़े हुए की नहीं। जुड़ा हुआ ईश्वर से है, जोड़ा हुआ संसार से है, पर दुख की बात है कि जोड़ा हुआ याद रहता है, जुड़ा हुआ याद नहीं रहता। उसकी याद क्यों करता जो छोड़ देना है, उसको याद कर ले जो सदा साथ रहता है। दुनिया की क्या परवाह करना, प्याली राम नाम की पी, गर तुझे भवसागर है तरना, प्याली गुरु नाम की पी, प्याली राम नाम की पी। दुनिया की क्या परवाह करना, प्याली राम नाम की पी, दुनिया की क्या परवाह करना, प्याली राम नाम की पी, गर तुझे भवसागर है तरना, प्याली हरि नाम की पी, गर तुझे भवसागर है तरना, प्याली हरि नाम की पी, प्याली राम नाम की पी, प्याली हरि नाम की पी, प्याली राम नाम की पी, प्याली हरि नाम की पी। दुनिया की क्या परवाह करना, प्याली हरि नाम की पी, दुनिया की क्या परवाह करना, प्याली हरि नाम की पी। अर्जुन को भी श्री कृष्ण ने निर्भय नाद सुनाया था, अर्जुन को भी श्री
कृष्ण ने निर्भय नाद सुनाया था। त्याग के मोह अज्ञान को अर्जुन कौरव से लड़ पाया था। बुलंद रख के प्याली राम नाम की पी, अपने हौसले बुलंद रख के प्याली राम नाम की पी। रोशनी देने जैसे नित्य सवेरे आता है, सूरज रोशनी देने जैसे नित्य सवेरे आता है। गंगा का प्रवाह कभी नहीं गौमुख लौट के जाता है, ना गौमुख लौट के जाता है, ना गौमुख लौट के जाता है। सतत करे जो भक्ति भक्त वो, सतत करे जो भक्ति भक्त जरूर पाता है, वो मुक्ति जरूर पाता है, वो मुक्ति जरूर पाता है। हो तू भी अडिग अचल रह करके प्याली राम नाम, तू भी अडिग अचल रह करके प्याली राम नाम की, प्याली राम नाम की। परीक्षा कितनी मुसीबत आई थी, हो कितनी मुसीबत आई थी, कितनी मुसीबत आई थी। राम राम ही जपती रही वो, राम राम ही जपती रही वो, श्रद्धा ना हिल पाई थी, वो श्रद्धा ना हिल पाई थी, वो श्रद्धा ना हिल पाई थी। चाहे हो प्रतिकूल जगत ये प्याली राम नाम की, हो चाहे हो प्रतिकूल जगत ये प्याली राम नाम की। चैतन्य प्रभु ने हिम्मत क्या दिखलाई थी, नानक और चैतन्य प्रभु ने हिम्मत क्या दिखलाई थी। दुश्मन हुआ जमाना घड़ियां वो कितनी दुखदाई थी, वो कितनी दुखदाई थी, वो कितनी दुखदाई थी। फिर भी विचलित हुए थे वो ना, फिर भी विचलित हुए थे वो ना, ज्ञान की ज्योत जगाई थी, वो ज्ञान की ज्योत जगाई थी, ज्ञान की ज्योत जगाई थी। हो चाहे कितनी हो विपदाएं प्याली राम नाम की थी, हो चाहे कितनी हो विपदाएं प्याली राम नाम की थी।
कबीर ने वो प्याली ही पाई थी। ओ तुलसी मीरा सूर कबीर ने वो प्याली ही पाई थी। मस्त हो आत्म मस्ती में सुध बुध सब विसराई थी। हो सुध बुध सब विसराई थी। सुध बुध सब विसराई थी। महलों की रानी मीरा ने हो महलों की रानी मीरा ने कैसी अलख जगाई थी। हो कैसी अलख जगाई थी। हो कैसी अलख जगाई थी। हो दुनिया चाहे जहर पिला दे प्याली राम नाम की। ओ दुनिया चाहे जहर पिला दे प्याली राम नाम की भी। प्याली राम नाम की भी। हो प्याली हरि नाम की भी। हो यम ही न व्यथन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ सम दुःख सुख धीर सो अमृतत्वाय कल्पते। पापी उजाकर नाम सुमि रही अति अपार भव सागर तरही तासु दूत तुम तजि कदराई राम हृदय धरी करहु उपाय। जिनका नाम लेने से भव सागर से आदमी भव बंधन से छूट जाए उनका नाम गुरु से दीक्षा में मिलता हो तो उसके जैसा सौभाग्य कौन सा। पुण्य होते हैं ईश्वर की कृपा होती है तो अमेरिका से नासिक दूर नहीं लगता। एक बहन यहाँ पर आई है अमेरिका से, खास शिवरात्रि के पर्व पर नासिक में कैसा सत्संग होता है बापूजी का और कैसे महाराष्ट्र के भक्त लाभ लेते हैं। अमेरिका से खास वो यहाँ सत्संग के लिए ही आई। खड़ी हो जा तो बहन जरा दो मिनट। ये देखो अमेरिका से आई है खास। उधर बहनों को हरिओम कर सकते। इसको अमेरिका से भारत का नासिक दूर नहीं लगा। और कई लोग ऐसे भी होते हैं कि भले पड़ोस में रहते हो पर सत्संग में नहीं आ सकेंगे। ये अकेली अमेरिका से खास आई सत्संग सुनने के लिए। अगर किसी को शंका हो तो पासपोर्ट देख सकते हैं भाई। कोई बोले कि क्या पता ऐसे ही बोल रहे हो, शंका हो तो देखो और यहीं तो विश्वास कर लेना। खास सत्संग के लिए ही आई। एक दो दिन बाद उसको फिर लौट जाना है अमेरिका। बस बैठो। पुण्य हो भगवान की और गुरु की कृपा हो तो अमेरिका से भारत दूर नहीं लगता। और पुण्य ना हो और ईश्वर की कृपा ना हो बोले कौन जाए, मैं अकेली हूँ मेरे साथ तो कोई भी नहीं है, अकेली अमेरिका से भारत कैसे जाऊँ। और फिर दिल्ली में इसका घर है, माता पिता दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली फिर दिल्ली से नासिक कैसे जाऊँ। ये नहीं सोचा मैं अकेली नहीं हूँ, मीरा की तरह सोचा कि मेरे साथ तो बापू है ना, मैं अकेली थोड़ी हूँ, बापू जी अपने आप कृपा करके मुझे अपने पास पहुँचा देंगे। क्या मीरा चली थी चित्तौड़ से, राजस्थान के चित्तौड़ से वृंदावन, ये नहीं सोचा कि मैं अकेली हूं, नहीं मेरे तो गिरधर गोपाल।
जा के शीश मोर मुकुट मेरो साई सोही रे। तो शौच जप, जप करना, नियम के 12 प्रकार श्री कृष्ण ने बताए। नियम किसको बोलते हैं? यम, नियम। इसमें 12 बातें, शौच जप तप तपस्या करना, ये तपस्या हो ही रही है। होमम श्रद्धा, होमम माने कि अब अपन रोज कहाँ अग्नि जलाकर उसमें होम करेंगे, थोड़ा प्रसाद बनाकर रख दिया मंदिर में, भोग लगा दिया। शौचम जपस तपो होमम श्रद्धा, भगवान नियम के 12 प्रकारों में श्रद्धा को भी रखते हैं। शौचम जपस तपो होमम श्रद्धा आतिथ्य, घर पे कोई मेहमान आया तो उसका स्वागत सत्कार करें, उसको कुछ खिलाएं पिलाएं। ऐसा नहीं कि एक आदमी के घर मेहमान आए तो उनको खिलाया फिर बोले अच्छा हुआ आप आए, नहीं तो हम ये सब गायों को ही खिलाने वाले थे। यदि मेहमान की नाक काट रहा है तू, इज्जत खराब कर रहा है अपनी भी और उनको भी अपमानित कर रहा है कि अच्छा हुआ आप आए, नहीं तो ये तो सारा गायों को ही खिलाने वाले थे हम तो। तो श्रद्धा आतिथ्य, अतिथि सेवा। मदर्चनम, भगवान की पूजा। व्रत पर्व आदि आए तो उसको मनाना, नवरात्रि आए, शिवरात्रि आए, रामनवमी आए, होली का पर्व आए तो उसको मनाना अच्छी तरह से। तीर्थाटनम, नियम के प्रकारों में भगवान ने एक ये भी बताया, तीर्थ यात्रा करना। अब तीर्थ यात्रा करने कहाँ कहाँ जाएंगे अपन? अपने तो मेरे तीर्थ चारों धाम गुरुद्वारा और गुरु नाम, मेरे तीर्थ चारों धाम गुरुद्वारा और गुरु नाम करते हैं पूर्ण काम। द्वारा बैठे रहना, खड़े नहीं हो। चारों धाम गुरुद्वारा और गुरु नाम, मेरे तीर्थ चारों धाम गुरुद्वारा और गुरु बीते जो घड़ियां, गुरुद्वार पे बीते जो घड़ियां, प्रभु से जुड़ती मन की कड़ियां, 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 यहां नष्ट हो दोष तमाम गुरुद्वारा और गुरु नाम। सुख का सिंधु, गुरुद्वार है सुख का सिंधु, गुरु नाम है सच्चा बंधु, 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 यही दिल पाए विश्राम गुरुद्वारा और गुरु नाम।
जीवन महकाए, गुरु द्वार जीवन महकाए, गुरु नाम है भक्ति बढ़ाए, 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 दुखों का पूर्ण विराम गुरुद्वारा और गुरु नाम, दुखों का पूर्ण विराम गुरुद्वारा और गुरु नाम, गुरुदेव 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 गुरुदेव, हरि जपस्तपो होमं श्रद्धा तिथ्यमदर्शनम तीर्थाटनम परार्थेहा। तीर्थ यात्रा नियम के 12 प्रकारों में एक तीर्थ यात्रा भी बताए, शास्त्र की बात है वो तो है ही, पर मेरी समझ में तीर्थ यात्रा ये है। अहमदाबाद में मैं कितने साल से आश्रम में रहता हूं, 27 साल पूरे हो गए, 28वां चल रहा है मुझे आश्रम में रहते हुए। 27 साल और 4-5 महीने ऊपर हो गए, फिर भी एक बार मैं द्वारिका नहीं गया हूं। अहमदाबाद से कितना दूर है, मैं नहीं गया, नहीं जाने का अफसोस भी नहीं है और अब जाने की इच्छा भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं कि मैं कोई नास्तिक आदमी हूं, भगवान को नहीं मानता, ऐसा भी नहीं है, पर जाने की कोई इच्छा भी नहीं। 28 साल होने को आए, गया भी नहीं। कोई कोई तो अहमदाबाद आते हैं ना शिविर में, तो टिकट ऐसी बुक कराते हैं कि अहमदाबाद में 2-3 दिन रहेंगे, फिर द्वारिका जाके आएंगे, फिर जाएंगे। ठीक है, कोई बुरे नहीं है, पर साम वेद की जाबाल दर्शन उपनिषद में भगवान दत्तात्रेय जी ने जो बात बताई वो मुझे दिल से लगी। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को जो बात बताई वो मुझे दिल से लगी, इसलिए मुझे जाने की इच्छा नहीं। तीर्थाटनम परार्थेहा, परार्थ दूसरों की भलाई के लिए कुछ करना, नियम के 12 प्रकारों में एक ये भी है, भलाई के काम करना। ज्यादा ना कर सके तो अपना जन्मदिन आया तो 2-3 गरीब बच्चों को थोड़ी मिठाई बांट कर आ गए, खुद ना खाओ उनको बांट के आओ। एक बार मैं आपको घटित घटना सुना रहा हूं, इंदौर से सूरत आना था, तो इंदौर से सूरत कितना दूर है, सूरत आश्रम में होली का पर्व शिविर थी और बापूजी इंदौर में, टाइम भी नहीं है। तो इंदौर समिति ने खूब प्रार्थना की कि एक छोटा सा जहाज कर लेते हैं और उसमें करीब 1.5 लाख रुपया खर्च होगा, बापूजी को इंदौर से सूरत छोड़ देगा 1.5 घंटे में। बापूजी ने कहा नहीं, ये बहुत ज़्यादा खर्चा है। बोले नहीं बापू, इसमें क्या होगा, बापूजी का स्वास्थ्य ज़्यादा महत्व का है कि 1.5 लाख रुपया, पर बापूजी ने मना कर दिया और कार में निकल पड़े गुरुदेव। इंदौर से सूरत इतना दूर, कार में निकल पड़े। रास्ते में राजपुरा एक जगह है, वहाँ एक छोटी सी कुटीर बनी हुई है, वहाँ के भक्तों ने, गरीब भक्त हैं वहाँ के, उन्होंने बापूजी के लिए बनाई। तो बापूजी रात को रास्ते में था, तो रात को उधर गुरुदेव ने कहा रात हो गई सुबह चलेंगे जल्दी। रात को विश्राम के लिए रुके तो वहाँ के राजपुरा के कई गरीब भक्त आ गए वहाँ दर्शन करने को। तो गुरुदेव ने आदेश दिया कि यहाँ पर ये लोग आके हर सप्ताह कीर्तन भजन और पाठ करते हैं श्री आशा रामायण का, और जो भी सत्संग करते हैं इनका नियम है,
इनके लिए कोई जगह नहीं है, हॉल नहीं है। गुरुदेव ने कहा कि 1.5 लाख रुपया अपनी तरफ से इनको दो, यहाँ कुछ बनाएंगे थोड़ा, ये अपने मिलकर करेंगे, 1.5 लाख रुपया अपनी तरफ से दे दो। 1.5 लाख रुपया जहाज में नहीं दे रहे थे बापू, और 1.5 लाख रुपया वहाँ गरीबों की भलाई के लिए तुरंत दे दिया कि नहीं इस काम में तो दे दो ना। और खुद कार में गए, भोपाल से जाना था नागपुर एक बार, तो समिति वालों ने एक ट्रेन चलती है उसमें फर्स्ट एसी में एक टिकट ली थी, 5,000 रुपये की टिकट थी। गुरुदेव ने डांटा के 5,000 की टिकट ली फर्स्ट एसी में, काहे को ली, कैंसिल करा दो, अब भी कैंसिल करा दो, नहीं तो ज़्यादा पैसा कट जाएगा, नुकसान होगा। टिकट कैंसिल करा दी और मात्र 150-200 रुपये की स्लीपर क्लास की एक टिकट निकलवाई और उसमें बापू बैठ कर गए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, यथा लाभ संतोष सदा। इसलिए मुझे अमेरिका के यूएन के प्रोग्राम में सन 2000 में एक बुजुर्ग संत ने कहा कि मैंने बापूजी को निकट से देखा नहीं है, टीवी पर बापूजी को जरूर देखता सुनता हूं कई बार, और टीवी पर बापूजी को देख सुनकर मुझे लगा कि बापूजी कोई धार्मिक व्यक्ति नहीं है, पर बापूजी साक्षात धर्म की मूर्ति हैं। ये धार्मिक व्यक्ति नहीं है, रामो विग्रहवान धर्म साधु सत्य पराक्रम। तुष्टि माने संतुष्ट रहना हर हाल में। और 12वां नियम पतंजलि योग दर्शन में तो 5-5 बताए हैं यम नियम, पर भगवान कृष्ण ने 12 बताए, तो 12वां आखिरी नियम श्री कृष्ण ने बताया है आचार्य सेवनम, सदगुरु की सेवा। तो हम लोग 12 यम और 12 नियम एक बार सभी मिलकर ये श्लोक उच्चारण कर लेंगे, भागवत का है जो भगवान कृष्ण ने कहा है। अहिंसा सत्यमस्तेयम्, अहिंसा सत्यमस्तेयम्, असंगो हीरसंचय, असंगो हीरसंचय, आस्तिक्यम ब्रह्मचर्यम् च, आस्तिक्यम् मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम्, मौनम स्थैर्यम क्षमा भयम्। ये 12 यम, अब 12 नियम। शौचम जपस्तपो होमम्, शौचम जपस्तपो होमम्, श्रद्धातिथ्य मदर्चनम्, श्रद्धातिथ्य मदर्चनम्, तीर्थाटनम परार्थेहा, तीर्थाटनम परार्थेहा, तुष्टिराचार्य सेवनम्, तुष्टिराचार्य सेवनम्। अब पते की बात, भगवान कृष्ण कहते हैं अगर कोई ये 12 यम और नियम पालेगा तो क्या होगा, सुनना अब खास बात। अगर कोई, भगवान कृष्ण कहते हैं अगर कोई ये 12 यम और नियम पालेगा तो क्या होगा, एते यमः स नियमा उभयोर द्वादशम स्मृता पुंसाम उपासितास्तात यथा कामम दुह्यन्ति ही, भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति होगी अगर वो ये यम और नियम पालेंगे तो। उन्हें ये यम नियम संसार की मतलब सुविधा संपत्ति जो जरूरी होती है ग्रस्त जीवन में, उसकी भी प्राप्ति हो जाए और मुक्ति की प्राप्ति भी हो जाए, दोनों की प्राप्ति इन 12 यम और नियमों से। श्री कृष्ण का वचन है, ऐरे गरे आदमी का हो तो अपन विश्वास न भी करें, पर भागवत में साक्षात भगवान कृष्ण कहते हैं।